देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को जल्द ही ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के हवाई हमले फेल हो जाएंगे। यह तकनीक और कोई नहीं अमेरिका उपलब्ध करवाने वाला है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए इसी प्रणाली का इस्तेमाल करता है। केंद्र सरकार नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल यानी नासमिस को दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। चीन और पाकिस्तान से बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए राजधानी दिल्ली को एक बेहतर और मजबूत एयर डिफेंस की जरूरत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को क्रूज मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट हमलों से बचाने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर बातचीत चल रही है। आतंकवादी संगठनों के पास भी हवाई हमले करने की ताकत पर बढ़ी है और ऐसे में दिल्ली को इन हमलों से सुरक्षित करने की जरूरत है। अमेरिका की कंपनी ने एयरफोर्स और दूसरी सरकारी एजेंसियों को इस सिस्टम की प्रेजेंटेशन दिखाई है। इनके इस प्रपोजल पर विचार हो रहा है। भारत ने सरहद पर अब एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को पल भर में ढील कर देगा। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात कर दिया गया है। यह सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, सर्विलांस प्लेन या फिर हर उस ड्रोन का पता लगाएगा जो भारत के एयरस्पेस में घुसने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की ओर से भारत पर हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियां पूरी रखनी है। इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है पश्चिमी सीमा पर तैनात हुआ स्पाइडर इजराइल एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की ताकत बढ़ाने के मकसद से तैनात किया गया है।